अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ज ब्राउनी बनाने जा रहे हैं वॉलनट के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास दो अंडे हैं, इसमें ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे 6 टेबलस्पून फ्लावर है, 1 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी में 2 टेबलस्पून वाटर डाला है, उसको डिज़ोल्व किया है। यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल है, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पे वॉलनट्स हैं जो कि इसकी बैटर में डालूंगी। यहाँ पे 6 टेबलस्पून कोको पाउडर है और 6 टेबलस्पून ही फ्लावर है। ये आइसिंग शुगर है, 1/2 कप आइसिंग शुगर है, 7 टेबलस्पून है तकरीबन। यहाँ पे मैं अब अंडों को बीट करना स्टार्ट करती हूँ। साथ में ही आइसिंग शुगर को ऐड करना है। अंडे बीट हो गए, अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं एक बाउल में छान लेती हूँ। ये 6 टेबलस्पून फ्लावर है जो कि 3 आउंस बनता है, 1 कप कोको पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है 1 टेबलस्पून, से फिर इसको मिक्स करना है। एग वाले मिक्सचर में मैंने ये कॉफी जो डिसॉल्व की थी पानी में ये डाल दी, ऑयल, इसको मिक्स करूंगी। ये अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें हल्के हैंड से फोल्ड करेंगे स्पैचुला के साथ। अगर ज़्यादा फोर्स लगाई तो हमारा एक बैटर जो है वो फट जाएगा। इस तरह से सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करना है अच्छे से, लम्स नहीं रहना चाहिए नीचे। वॉलनट में मैंने 1/2 टीस्पून जो है ये मैदा ऐड किया है, ये इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये नीचे ना बैठ जाए ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये स्क्वायर शेप का मोल्ड है ब्राउनी के लिए, ये मैंने ऑयल लगाया है। साथ में ये फ्लावर है, इसको डस्ट करूँगी। आप चाहें तो बटर पेपर लगा लें। बैटर को हम मोल्ड में, सारा बैटर इसमें हम डाल देंगे। इसको मैंने मोल्ड में डाल लिया, अब इसको टैप करना है। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे पहले से 15 मिनट प्री हीट किया है, ये 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएगी। यहाँ पे गिनाश तैयार कर रही हूँ। 1/2 कप मैंने ये क्रीम ली है, नेस्ले की है, और 1/2 कप ही क्रेव कुकिंग चॉकलेट है ये, इसको मैंने तोड़ लिया है। इसको हमने पकाना नहीं है, ना ही इसको बॉयल आने देना है, सिर्फ हीट दिलानी है।
अगर आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको हीट दिलाई तो ये फट सकती है क्रीम, इसलिए देखें इतनी सी फ्लेम होनी चाहिए। इसको हीट दिला दिए, अब इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। यहाँ पे क्रीम गरम थी तो मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी तो वो इस तरह मेल्ट हो गई है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए ब्राउनी को चेक करते हैं, अगर स्कीवर साफ आई तो इसका मतलब ब्राउनी रेडी है। ये देखें ब्राउनी बिल्कुल रेडी आई, कुछ भी नहीं आया। ये देखिए मैं फज ये आपको फज ब्राउनी की सॉफ्टनेस दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी बनी है। ये मैंने साइड से कट कर दी थी। ये जो गिनाश तैयार की थी ये इसके ऊपर डालूंगी। इसको स्पंज को मैंने पहले चिल किया है फिर उसके ऊपर डाली, अगर गर्म पे डालेंगे तो ये सारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी। ये गिनाश डाल दिया, इसको 5 मिनट तक चिल करूंगी, इसके बाद मैं इसकी डेकोरेशन करती हूँ। इसको चिल करने के बाद मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट स्पंज है। ये वॉलनट ऊपर रख रही हूँ। ये ब्राउनी रेडी है, इसकी सॉफ्टनेस देखें। बहुत टेस्टी बनी है।